दोस्तों क्या आप भी अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर को ओपन करके कोई भी ऐप को डाउनलोड करने जा रहे हैं तो आपका ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से पेंडिंग लिख कर आ रहा है और इस तरीके से यह चक्री घूम रही है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स को ओपन करना है यहाँ पर आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करके आना है यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स करके इस पर आपको क्लिक करना है सी ऑल एप्स पर क्लिक करना है आपके सामने सा, जितने भी एप्स होंगे आपके स्मार्टफोन में वो सब आ जाएंगे यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है गूगल प्ले जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो गूगल प्ले के जितने भी ऐप्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है इस तरीके से तो आप इसके ऐप इन्फो में पहुँच जाएंगे यानी कि इसकी इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर पहुँच जाएंगे यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैच करके इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लियर कैच पर पहले क्लिक कर देना है फिर क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है तो आपको दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आया

बैक आने के बाद फिर से आपको देखिए इस पर सर्च पर क्लिक करना है और गूगल आपको सर्च करना है तो आपके सामने गूगल प्ले सर्विस करके एक ऑप्शन आएगा इस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है स्टोरेज वाले ऑप्शन में आना है क्लियर कैच कर देना है आपको इधर आपको क्लियर स्टोरेज नहीं करना है यहाँ पर आपको क्लियर कैच कर देना ओनली उसके बाद आपको इस तरीके से सेटिंग को हटा देना है अपने स्मार्टफोन में आपको प्ले स्टोर को इस तरीके से ओपन करना है ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपके जी आइकन का आइकन मिलेगा आपको जी मेल का आइकन इस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का आपको सेटिंग्स में जाना है यहाँ पर आपको देखिए नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना है यहाँ पर देखिए ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का आपको ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना है तो आपको ओवर एनी नेटवर्क पर ही क्लिक रहने देना है अगर इसके अलावा दूसरे पर है तो आपको ओवर एनी नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको ऑटो अपडेट एप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा डोंट ऑटो अपडेट एप्स इस पर आपको क्लिक कर देना है बैक आ जाना है ऑटो प्ले वीडियोज पर क्लिक करना है और डोंट ऑटो प्ले वीडियोज पर को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको ओके okay पर क्लिक कर देना है फिर आपको बैक आ जाना है उसके बाद इस तरीके से प्ले स्टोर को हटा देना है फिर से प्ले स्टोर को ओपन करना है अब यहां से आप देखिए कोई भी ऐप ले लीजिए या गेम ले लीजिए जैसे कि हम मान लीजिए यही ऐप ले लेते हैं जो अभी हम डाउनलोड कर रहे थे नहीं हो रहा था पेंडिंग लिख कर तो देखिए इंस्टॉल कर लेते हैं तो कुछ सेकंड तक आपका ये पेंडिंग लिखा हुआ आएगा और फाइनली आपका जो ऐप पेंडिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी आपका ऐप डाउनलोड होने लगेगा तो दोस्तों इस तरीके से आप प्ले स्टोर पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय -टा, बाय जय हिंद